कैटरीना और अक्षय की जोड़ी ऑडियंस पे कितनी पसंद की जाती है ये आप सभी सूर्यवंशी में दोनों को साथ देखकर सामने आए पब्लिक के रिएक्शन से समझ सकते हैं। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स से निकली इस फिल्म में ये दोनों करीब 9 साल के लंबे इंतजार के बाद साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में फैंस इनकी वापसी से बेहद खुश भी हैं। हालांकि कैटरीना खिलाड़ी के साथ साथ एक और एक्टर है जिनके साथ आने पर पसंद की जाती रही है, यानी अक्षय के अलावा कैटरीना की जोड़ी दूसरे एक्टर के साथ उतनी ही जचती है। आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की। इनके जगह कैटरीना के लाइफ में अलग ही है। अगर बात करें इन दोनों की तो बेशक ईद पर होने वाला क्लैश सुर्खियां बटोर रहा हो, लेकिन कैट के कारण दोनों स्टार्स में जुड़ा है खास तरीके का कनेक्शन। कैट को आखिरी बार सलमान के साथ फिल्म भारत में देखा गया और अब वो सूर्यवंशी से अक्की के साथ रोमांस करने वाली है। लेकिन हम आपको अक्की सल्लू की फिल्म के बीच कुछ ऐसी कॉमन बातें बताने वाले हैं जो कैट की वजह से एक होती हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, डेजर्ट रोमांस। कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार और सलमान खान दोनों के साथ उनकी फिल्मों में डेजर्ट रोमांस किया है। एक्ट्रेस ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म सिंग इज किंग के गाने तेरी ओर में रोमांस किया था। वहीं सलमान खान के साथ फिल्म भारत में गाने चासनी में यही केमिस्ट्री देखने को मिली थी। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2, चर्च वेडिंग सीक्वेंस। कैटरीना ने अक्षय कुमार और सलमान खान दोनों के साथ फिल्मों में चर्च वेडिंग सीक्वेंस को किया है। एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ फिल्म भारत में तो अक्षय कुमार के साथ फिल्म नमस्ते लंदन में चर्च वेडिंग सीक्वेंस किया था। नंबर 3, स्पेशल आइटम सॉन्ग्स। सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स में भी कैटरीना कैफ नजर आ चुकी हैं। कैटरीना ने अक्षय कुमार के साथ फिल्म 30 मार खा के आइटम सॉन्ग शीला की जवानी किया था, तो वहीं सलमान के साथ वो फिल्म बॉडीगार्ड में स्पेशल सॉन्ग में दिखाई दी थी। नंबर 4, मैरिज सीन्स। कैटरीना कैफ के सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ फिल्मों में मैरिज सीन भी कॉमन ही रहे। कैटरीना की फिल्म सिंग इज किंग में अक्षय कुमार के साथ और फिल्म भारत में सलमान के साथ मैरिज वाला सीन तो आपको याद ही होगा। वेल, भले ही कैटरीना अलग अलग टाइम पर दोनों एक्ट्रेस के साथ नजर आई हो, लेकिन जब भी कैट ने इनका साथ दिया है तो स्क्रीन पर तूफान ही उठा है। तो इस बार क्या तूफान होगा सूर्यवंशी से, ये आप हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में।